चलो भाई, हो गया तो अब आप ऐसे कीजिए, करंट जी के निकाल लीजिए, करंट जी के निकाल लीजिए। करंट जीके में आज हम बात करेंगे समान सिविल संहिता की। हालांकि इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन इसको अपडेट कर देते हैं। लिखिए, भारत सरकार समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास कर रही है, समान सिविल संहिता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत कर देना, शानदार है ये। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो भी इसके बारे में बताता हूं, लेकिन आपको ध्यान रहे ये। पहली बात तो इसका संविधान में उल्लेख कहां है, बताएगा कोई? आर्टिकल 44, शाबाश। आर्टिकल 44 में ये बताया गया है कि भारत में समान सिविल संहिता लागू होनी चाहिए। मतलब ये क्या है, एक तरीके का नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप जानते ही हो, हल्की सी बात करते हैं। बताइए कहां से, इसके संविधान में कौन से भाग में लिखा गया है? भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51, और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। वाद योग्य है क्या ये? मतलब इन्हें लागू करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते, तो वाद योग्य नहीं है ये। इसका जो उद्देश्य है, पर्पज, ये है भारत में जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। भारत में जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो नीति निर्देशक तत्व है ये। क्या होती है समान सिविल संहिता? सभी धर्मों के लिए एक प्रकार के कानूनों, एक ही कानूनों, समान कानून को, इसका अर्थ ये निकल रहा है। लिख दीजिए, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। क्या भारत में ऐसा कोई राज्य है? गोवा। लेकिन ध्यान रखें, ये पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट किया था उसको, उसी को अपनों ने एडॉप्ट कर लिया था। लिखिए, भारत का एकमात्र राज्य
जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। आया हुआ क्वेश्चन है ये गोवा है, लेकिन यहां लिख देना आगे पुर्तगाली शासन की देन है ये। ये तो आजादी से पहले की बात की है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि पुर्तगाली शासन की देन है। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला राज्य जिसने समान सिविल संहिता के लिए समान सिविल संहिता के लिए समिति का गठन किया है, ये है उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? गुजरात। इन्होंने अपने अपने स्टेट में एक समिति गठित की है, वो ये बताएगी कि इस स्टेट में समान सिविल संहिता को कैसे लागू किया जाए, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होने से संबंधित है ये समान सिविल संहिता। चले आइए, एक शब्द सुन रहे होंगे अखबारों के अंदर, लिखिए कोप। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपना एनवायरनमेंट इकोलॉजी चल ही रहा है उसके अंदर ही आएगा, वहां पर इसकी डिटेल दूंगा मैं कैसे बना, कोप फर्स्ट क्या था। 1972 में विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार प्रयास किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत, उसमें कई प्रावधान किए गए थे, कई प्रावधान किए गए उसके तहत। आज जो हम पर्यावरण दिवस सुनते हैं वो उसी की देन है, यूएनईपी नामक संस्था का नाम सुनते हैं वो स्टॉकहोम सम्मेलन की देन है। उसके 20 साल बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, ब्राजील में पड़ता है ये, जिसको हम अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसकी बात उठी थी। वो 1995 में पहला कोप हुआ था, पहला कोप हुआ, उसके बाद से ये प्रतिवर्ष होते रहे और आज हम 27 तक पहुंच चुके हैं जो कि अभी शर्मल शेख में हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट कोप 27 पर जा रहा हूं। ये जो कोप 27 है ये हो रहा है शर्मल शेख में, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये मिस्र में है, यहां पर हो रहा है, शर्मल शेख में हो रहा है। देखिए यहां बहुत सारी बातें होगी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, समय समय पर हम इसकी बात करते रहेंगे, अभी तो चल ही रहा है ये और आगे देखते हैं इसके ड्राफ्ट में क्या चीजें आती है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने एग्जाम की दृष्टि से दो बातें आ गई है। भारत ने एक घोषणा की है, भारत ने ये घोषणा की है कि 2070 तक जो हानिकारक गैसें हैं उनके
रिसाव को हम रोक देंगे, जीरो कर देंगे, नेट जीरो का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। इसमें लिखिए भारत की घोषणा, हालांकि अन्य देशों ने भी घोषणा की है ध्यान रखना, लेकिन मैं यहां भारत की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली। भारत की क्या घोषणा है लिखिए, भारत 2027 तक, भारत 2027 तक सॉरी माफी चाहूंगा भाई, भारत 2070 तक, भारत 2070 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को बंद कर देगा। आप ये कह सकते हो नेट जीरो का लक्ष्य है, भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो, नेट जीरो का क्या मतलब होता है? नेट जीरो का मतलब ये होता है कि देखो गैसों का उत्सर्जन तो होगा ही होगा, ऐसे नहीं तो उद्योग धंधे ही बंद हो जाएंगे। क्या लक्ष्य है ये? इसका मतलब ये है कि जितना उत्सर्जन होगा उतना ही क्या होगा, अवशोषण। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम 2 रुपए खर्च कर रहे हैं और 2 रुपए कमा रहे हैं तो हो गया बराबर। ये होता है नेट जीरो का लक्ष्य। और यहीं पर एक रिपोर्ट आई है अपने सामने, उस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2022। लिखिए वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट है ये बिल्कुल, वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट। क्या कहता है ये? वर्ष 2021 में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश ये है चाइना, 31%, चाइना 31%। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, ये है 14%। तीसरे नंबर पर है ईयू, यूरोपियन संघ, ठीक है ना, आप जानते हो, ये है 8%। ये यूरोपियन संघ 27 देशों का समूह है। चौथे नंबर पर जो है ये है इंडिया, ये है 7%। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7%। तो अभी मैंने कल परसों आपको एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह करवाई थी ना, उसके तहत मैंने आपको ये बातें लिखाई थी, जहां मैंने कुछ परसेंटेज भी लिखाए थे। अब उन परसेंटेज को अपडेट कर देना, क्रम तो देखिए वही है, क्रम तो वही है, बस थोड़ा परसेंटेज बदल गया होगा, वो आप देख लेना। ये 31% है, 14% है, 8% है, ये 7% है। यहां पर एक लाइन देखिए, पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत कम उत्सर्जन करता है, अब वैसे देखें परसेंटेज पर तो हम चौथे नंबर पर हैं, लेकिन यदि पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो हम कम उत्सर्जन करते हैं। आप देखिए
चाइना है, चाइना कितना कर रहा है 31%, भारत कितना कर रहा है 7%, और चाइना की अपनी जनसंख्या तो वही सेम नहीं माने तो कोई ज्यादा वैसे अंतर नहीं है, लेकिन ये देखो ये 31% कर रहा है इधर और हम कर रहे हैं 7%। इसका मतलब यदि तुलना करें पॉपुलेशन की दृष्टि से तो भारत जो है कम उत्सर्जन करता है। इधर देखिए ईयू की जनसंख्या और अमेरिका की जनसंख्या देखोगे तो अमेरिका की जनसंख्या कम है लेकिन ये 14% करता है और ये 8% करता है। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से हम कहें तो ये कह सकते हैं कि भारत उत्सर्जन कम करता है। इसके संदर्भ में आप चाइना को देख सकते हैं। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, इसमें इतना ही करेंगे आज।